हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो बेसिकली इंग्लिश के लिए बनाया गया है। आजकल क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस बात का डर होता है कि इंग्लिश के जो कट ऑफ है उसको क्लियर कैसे करेंगे, या फिर हम ये बात करें कि आजकल के जो पेपर्स हैं उनका लेवल जो है इंग्लिश का, वो तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वोकैब्स बेस्ड पे। बुक्स कौन कौन से आपको फॉलो करनी चाहिए, मोबाइल अगर आप यूज में लेते हैं तो उसके लिए कौन कौन से एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेसिक बात ये आती है कि इंग्लिश का जो डर है उससे ओवरकम कैसे किया जाए, मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें आप लोग यूज में लें या फिर क्या फॉलो करना स्टार्ट करें कि आप इस डर से निकल सकें। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपकी रीडिंग और प्रैक्टिस। जितनी हो सके आप उतनी रीडिंग कीजिए, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, रीडिंग क्या करना है वो हम देख लेते हैं। न्यूज़पेपर्स जो हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, उनके एडिटोरियल वाले पेजेस को बेसिकली आप पढ़िए। आपको ये नहीं पढ़ना है कि किस जगह पे कितने लोग मरे या फिर कौन सा एक्सीडेंट हुआ, वो आपके न्यूज़पेपर में न्यूज़ तो रहती है लेकिन वो आपके काम की नहीं है। तो आपको बेसिकली देखना है एडिटोरियल पेज, और न्यूज़पेपर जनरली फॉलो करना है वो है द हिंदू। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट बाइक्स में है तो आप बाइक से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लीजिए, मोबाइल में है तो मोबाइल से रिलेटेड आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिए, पॉलिटिक्स में है अगर आपका इंटरेस्ट तो आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। तो आर्टिकल आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इवेंट न्यूज़ जो है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी यूज़फुल है और इंग्लिश के लिए भी यूज़फुल है। इंग्लिश के लिए यूजफुल कैसे है, रीडिंग कम्प्रहेंशन RC की अगर हम बात करें या फिर आजकल क्लोज टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आते हैं आपके करंट इवेंट से। इवेंट्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट है या फिर कोई टेक न्यूज़ है या फिर पॉलिटिक्स है या फिर कोई न्यू पॉलिसीज़ रिलीज़ की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर कुछ अटैक्स वगैरह जो हुए हैं या स्पोर्ट्स जो है उनसे रिलेटेड। इकोनॉमी जो है ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से जनरली जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एजिटेज उठा लिया जाता है। नॉवेल्स की अगर हम बात करें तो आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स में लेकिन वो वाली प्रेफर कीजिएगा जो इंस्पायरिंग है, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, या फिर बायोग्राफीज आप लोग उठा सकते हैं। तो ये वाले जो नॉवेल्स हैं इनसे आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा और आपके लिए मोटिवेशनल भी रहेंगी। बुक्स हम देख लेते हैं कि बुक्स कौन कौन सी आपको देख लेनी चाहिए या आपके पास में कौन कौन सी बुक होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। तो ये वाली जो बुक है ये तो मस्ट है, वो बुक है आपको ये वाली बुक तो ले ही लेनी है, मतलब वर्ल्ड पर मेड इजी ये बुक है गोयल साहब पब्लिकेशन की, ये वोकैब बिल्डर कहलाती है। ये वाली बुक अगर आपके पास में नहीं हो तो इस बुक को परचेज जरूर कर लीजिएगा। जितनी भी वोकैब्स हैं आप जितनी अच्छी अपनी वोकैब्स करना चाहते हैं ये वाली बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। वर्ल्ड पर मेड जिसका नेम है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो ये वाली बुक तो आप अपनी परचेज कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट बुक जो देखें हम ये है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। बेसिकली ये ग्रामर एनहांसर कहलाती है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस मिलेंगी, आपके जो ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्सरसाइज आपको काफ़ी सारी करने को यहाँ पे मिलेंगी। ये जो बुक है ये बेस्ट बुक है अगर हम ग्रामर की बात करें। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इनके ऑथर हैं, राइटर जो हैं, वो है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। स्टूडेंट फ्रेंड पब्लिकेशन की ये बुक है, तो आप ये वाली बुक भी परचेज कर सकते हैं। ग्रामर एंड आंसर बुक है, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी पढ़ने में। नेक्स्ट बुक अगर हम देखें तो नेक्स्ट बुक है आपकी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, मिस्टर SP बख्शी इसके ऑथर हैं, कंप्लीट बुक है ये। इसके अंदर देखो क्या है कि सारा का सारा पार्ट जो भी आपका एक पेपर के अंदर आता है, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, तो वो पूरा का पूरा पार्ट इसके अंदर दिया गया है। उस पूरे पार्ट को आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट बुक जो है ये है, पहले ये पैरामाउंट पब्लिकेशन की बुक हुआ करती थी, बाद में KD पब्लिकेशन की बुक हो गई है, इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स इस बुक का नेम है। तो ये वाली जो बुक है, नीतू सिंह जो है KD कैंपस के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने लिखी है ये बुक, KD पब्लिकेशन की बुक, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसके वैसे तो दो वॉल्यूम हैं लेकिन बैंकिंग के लिए पहला वाला वॉल्यूम इसका सफिशियंट है, तो ये वाली बुक आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक के अंदर भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशंस है जो आपको परचेज कर आपको इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। तो अगर मोबाइल एप्लीकेशन की हम बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं ये बेसिकली ऑलमोस्ट फ्री हैं,
पहली वाली जो है ये इनएप परचेज की कैटेगरी में है कि आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, इसके कुछ पार्ट बेसिक तो इसका पूरा फ्री है। तो यहाँ पे पहली जो एप्लीकेशन है वो है हेलो इंग्लिश। इस एप्लीकेशन के अंदर देखो बेसिक क्या है, ये स्टार्टिंग मतलब जीरो लेवल से इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। आप जीरो से लेके लास्ट मेन जो आपका पीक है वहाँ तक आप जा सकते हैं। मतलब आप इसको ऐसे देखिए कि आपको डेली बेसिस पे इसमें टास्क कंप्लीट करने को मिलेंगे, एक्सरसाइजेस मिलेंगी, काफ़ी सारे इसके अंदर लेसन्स हैं जो आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। गेम्स वगैरह के थ्रू भी आप अपनी नॉलेज को इसमें, साथ ही साथ देखो क्या होगा कि कुछ रीडिंग वाला पार्ट भी इसके अंदर रहेगा, आपके अंदर ग्रामर भी इसके अंदर रहेगी, ऑब्जेक्टिव्स जो है उस टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, डेली बेसिस पे कुछ टास्क भी आपको कंप्लीट करने रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। दूसरी अगर हम देखें ये है वॉकअप 24। वॉकअप 24 जो ऐप है ये वाईफाई स्टडी जो है यूट्यूब चैनल ही है एक, उन्होंने ये वाली एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है। वॉकअप 24 में आपको डेली बेसिस पे 10 जो टॉप मोस्ट एडिटोरियल पेजेस की वॉकअप्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ थर्ड जो है ये है एडिटोरियल आर्टिकल्स, ये इंडिया की है बेसिकली। येलो कप जो है ये इसके पब्लिशर हैं। इस बुक इस ऐप के अंदर बेसिकली देखो होगा क्या कि सारे के सारे जो अभी करंट के अंदर एडिटोरियल वाले पार्ट में जो भी आर्टिकल्स हैं जो डेली बेसिस पे अपडेट किए जाते हैं इस ऐप के अंदर, तो आप ये तीनों ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं के साथ अगर आप एक और ऐप करना चाहें तो एक ऐप आती है मेमराइज नाम से, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप काफ़ी सारे वॉकअप्स जो है डेली बेसिस पे सीख सकते हैं। तो ये हैं बेसिक चीज़ें, ये आपको डेली लाइफ के अंदर अगर आप इसको रूटीन बना लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी सीखने में। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि पेपर की हम बात करें तो यहाँ से देखो काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट आप सीख जाएंगे, वॉकअप्स जो है वो आपकी स्ट्रांग होगी डेली बेसिस पे। अच्छा एक काम और कीजिएगा कि जो डेली बेसिस पे आप लोग वॉकअप लर्न करते हैं उनको किसी रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। जैसे डेली बेसिस पे हम लोगों ने 10 नए वॉकअप्स लर्न किए, उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है वो भी साथ के साथ हमने पढ़े और उनको एक रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लिया। तो ऐसा होगा क्या कि आपके पास में मंथ के एंड में करीब 500 से 600 नए वर्ड्स होंगे, नए वोकैब्स होंगे जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं जो आपको आते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर के अंदर। अच्छा देखो होता क्या है कि एक्सक्यूज़ देना ये एक नॉर्मल चीज़ है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि सर हमने कोशिश तो की थी लेकिन हुआ नहीं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आप ही पे डिपेंड करता है कि आपको एक एक्सक्यूज़ देना है या आपको अपनी खुद की एक सक्सेस स्टोरी बनाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको डेली बेसिस पे आप अप्लाई करें अपने डेली लाइफ में। इस वीडियो के अंदर इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम कोशिश करेंगे जल्दी अपलोड करने की। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।